आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे किसान बही की मान्यताओं के संबंध में, यानी किसान बही की विधिक मान्यताएं क्या हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथियों इससे पहले हमने किसान बही की जो प्राविधान थे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 41 में, उसके संबंध में चर्चा किया। तो अब हम समझेंगे कि किसान बही की विधिक मान्यताएं क्या हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो आइए साथियों किसान बही के विधिक मान्यताओं के संबंध में व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। किसान बही की विधिक मान्यताएं, नंबर एक है, किसान बही भू स्वामी खातेदार के स्वामित्व का विधिमान्य प्रमाण है। कहने का मतलब है जो किसान बही है वो भू स्वामी यानी खातेदार के स्वामित्व का विधिमान्य प्रमाण है, यानी कि विधि द्वारा मान्यता प्राप्त ये प्रमाण है। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर दो है, किसान बही की प्रविष्टियों की प्रमाणित छाया प्रतियां कानूनन मान्य होंगी। कहने का मतलब है ये मान्यता है किसान बही की दूसरी की, किसान बही की प्रमाणित छाया प्रतियां कानूनी तौर से मान्य होंगी, यानी विधिक तरीके से वो मान्य होंगी, विधि को यानी कि विधि द्वारा उनको मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर तीन है, भूमि के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता और विक्रेता यदि वे खातेदार हैं को किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। जो मान्यता तीन है उसमें बताया गया है कि भूमि के क्रय एवं विक्रय के समय क्रेता और विक्रेता यदि वो खातेदार हैं को किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें जो क्रय विक्रय से संबंधित विवरण है उनकी प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा, यानी किसान बही में क्रय विक्रय का जो विवरण है उसको किसान बही में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर चार है, किसान बही की प्रविष्टियों की प्रमाणित छाया प्रतियां जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र एवं निवास स्थान का प्रमाण पत्र भी होगा। जो चौथी मान्यता है वो किसान बही की प्रतियों की प्रमाणित प्रतियां जाति प्रमाण पत्र और हैसियत यानी आय प्रमाण पत्र और जो है निवास स्थान का प्रमाण पत्र भी होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर पांच है, बैंक या सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। साथियों नंबर पांच में बताया गया है बैंकों या किसी अन्य सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए किसान बही प्रस्तुत करना होगा और उसमें प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है जो ऋण से संबंधित विवरण हैं उनको किसान बही में अंकित कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर छः है, अनुदान प्राप्त करने के समय किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा। दो छठी मान्यता है वो है अनुदान प्राप्त करने के समय किसान बही प्रस्तुत करना तथा उसमें उसकी प्रविष्टियां कराना अनिवार्य होगा, यानी कि जो अनुदान से संबंधित विवरण है किसान बही पे अंकित कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर सात है, बैनामे के वाद नामांतरण के समय किसान बही की प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए लेखपाल के बयान आवश्यक नहीं होंगे तथा नामांतरण कर दिया जाएगा। जो सातवीं मान्यता है, बैनामे के वाद नामांतरण के समय किसान बही की प्रविष्टियों को सत्यापित कराने के लिए लेखपाल के बयान आवश्यक नहीं होंगे, यानी कि जो बैनामे
का वाद होगा नामांतरण के लिए दाखिल खारिज के लिए, उसमें किसान बही की जो प्रविष्टियां हैं उनको लेखपाल से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी और नामांतरण कर दिया जाएगा। यानी कि जो किसान बही होगी उसी के आधार पर आपका नामांतरण कर दिया जाएगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 8, भूमि के अंतर संबंधित सभी प्रकरणों की प्रविष्टियां किसान बही में करानी अनिवार्य होंगी। जो 8वीं मान्यता है उसमें बताया गया है कि भूमि के अंतर से संबंधित सभी प्रकरणों की प्रविष्टियां किसान बही में करानी अनिवार्य होंगी। यानी कि जो अंतर से संबंधित प्रकरण हैं उनके जितने भी प्रविष्टियां हैं, जितने भी विवरण हैं, उनको किसान बही में अंकित कराना अनिवार्य होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 9 है, किसान बही यद्यपि भू स्वामी की अभिरक्षा में रहेगी तथा इसे सार्वजनिक अभिलेख माना जाएगा तथा प्रविष्टियों में किसी प्रकार की हेराफेरी ये अनाधिकृत परिवर्तन दंडनीय अपराध होगा। जो नवी मान्यता है उसमें बताया गया है कि किसान बही भू स्वामी की अभिरक्षा में रहेगी। यानी किसान बही जो होगी वो भू स्वामी खातेदार की अभिरक्षा में रहेगी और ये सार्वजनिक अभिलेख होगा, ये गुप्त अभिलेख नहीं होगा, ये सार्वजनिक अभिलेख होगा या सार्वजनिक अभिलेख माना जाएगा तथा इसकी प्रविष्टियों में किसी प्रकार का यदि अनाधिकृत रूप से परिवर्तन किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद साथियों देखते हैं नंबर 10 है, किसान बही के प्रत्येक पृष्ठ पर राज की मुहर लगी है। कहने का मतलब है जो खातेदार को या भूस्वामी को किसान बही प्रदान की जाएगी उसमें प्रत्येक पृष्ठ पर राज की मुहर लगी होगी। तो साथियों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा किया कि किसान बही की विधिक मान्यताएं क्या हैं। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतया समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।